हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रीडम फाइटर के द्वारा, इंडियन फ्रीडम फाइटर के द्वारा जितने भी अच्छे बुक लिखे गए थे वो किनके द्वारा लिखे गए थे, उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उनका नाम था यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, इसको देखने के बाद एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। बाल गंगाधर तिलक ने जो बुक लिखी थी केसरी, और बता दूँ ये क्वेश्चन में आता है कि केसरी किस लैंग्वेज में लिखा गया था, तो ये मराठा लैंग्वेज में लिखा गया था, मराठी लैंग्वेज में, और द मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद है गीता रहस्य। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्कटिक होम इन वेदास। तो ये सारी बुक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो बुक लिखी है उनका नाम है अल हिलाल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर। ठीक है, उसके बाद लाला लाजपत राय के द्वारा बुक लिखी गई है अनहैप्पी इंडिया, बायोग्राफीज ऑफ मजनी, गरीबल्दी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। अनहैप्पी इंडिया इनमें से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो बुक लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड, लाला हरदयाल के द्वारा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी बंगाली, और ए नेशन इन मेकिंग। तो ए नेशन इन मेकिंग बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, वीर सावरकर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 की जो जंग हुई थी उसके बारे में इंडिकेशन करता है। ठीक है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि बुक लिखी गई थी, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और होम एंड द वर्ल्ड। उसके बाद गोड़ा बुक इम्पोर्टेंट है, हंगरी स्टोन, चंद लिखा और विसर्जन। ठीक है, वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बहुत बार जो एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको सब ही याद रखने हैं। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार, महात्मा गांधी जी के द्वारा बुक लिखी गई थी यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज्य, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आप भी बोलने का कोशिश कीजिए ताकि आपको याद रहे। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी किस लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। द मराठा किस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। गीता रहस्य, द आर्कटिक होम इन वेदास। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। इसको कैसे याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या बोलते हैं, चचा नेहरू। तो चचा नेहरू बार बार बोलते थे डिस्कवरी लगाओ, डिस्कवरी लगाओ। ठीक है, डिस्कवरी चैनल है ताकि बच्चे लोग कुछ सीख सकें। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि भाई बच्चे लोगों के लिए डिस्कवरी चैनल लगाओ, डिस्कवरी चैनल लगाओ। तो ये होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को तो हम लोग चचा नेहरू भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, और है मेरी कहानी। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई बुक है अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई बुक, आप हो सकता है तो आँख बंद करके सब ये कीजिए, रिकॉल कीजिए, अनहैप्पी इंडिया, बायोग्राफीज ऑफ मजनी और गरीबल्दी। ठीक है, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई बुक इंडिया डिवाइडेड, लाला हरदयाल, हिंट फॉर सेल्फ कल्चर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई बुक बंगाली, और ए नेशन इन मेकिंग। वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई बुक वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये किस चीज़ को इंडिकेशन करता है, ये आपका 1857 की जंग के बारे में बताता है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, ठीक है, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, होम एंड द वर्ल्ड। उसके बाद गोरा, हंगरी स्टोन, चंद्रलेखा, विसर्जन। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 10
राइटर के नाम कंप्लीट कर दिए। तो ये वीडियो तो लंबी चलेगी, लेकिन हम आपको सजेशन देंगे कि आप सिर्फ 10 ही आज के लिए पढ़िए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे इसी वीडियो में आइएगा, इसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को याद नहीं रहता। पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा तो फिर क्या फ़ायदा। जितना पचेगा, जितना हजम होगा, उतना खाएंगे ना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि याद रह जाएगा हमको, एक दिन में 10 से ज़्यादा भी याद रह जाएगा, तो आगे आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आइएगा, यहीं से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, मैंने याद होने के बाद, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट। उसके बाद मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो बुक लिखी गई थी, अवे युद्धे, ठीक है, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, अभी युद्धे, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान और लीडर्स, ठीक है। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नेशन, और ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ये बहुत पूछता है कि इंडियन मिरर किसने लिखी थी, तो इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। उसके बाद बाम वोदिनी भी इनकी बुक है, इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा, ठीक है। ज़्यादातर बंगाली ही राइटर हैं, तो इसलिए नाम थोड़ा सा ये हो रहा है। अरविंद घोष, ठीक है, इन्होंने लिखी थी कर्म योगी, योगांतर, सावित्री, लाइव डिवाइन, एसे ऑन गीता, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम बुक किसने लिखी थी, अरविंद घोष। योगांतर भी बहुत बार पूछा जाता है, लाइव डिवाइन, ठीक है, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई बुक है। उसके बाद मोहम्मद इकबाल के द्वारा तारे हिंद, बांगे दारा, ठीक है, तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, और बांगे दारा ये भी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कौन सी बुक लिखी गई थी। ये थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बुक लिखी गई थी इंडिया स्ट्रगल, जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा था तब उसके बारे में लिखा था मैंने, अंग्रेज लोग जब हम लोगों पे हावी हो चुके थे तो वो लिखे थे इंडिया इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद और हम लोगों को पता भी है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो गांधी के अगेंस्ट, कांग्रेस से अगेंस्ट थे, ठीक है। गांधी जी को अपना गुरु मानते थे, लेकिन कांग्रेस को उतना अच्छा नहीं मानते थे सुभाष चंद्र बोस, इसलिए इन्होंने, हम लोगों को पता है कि फ्रॉड ब्लॉग वगैरह बनवाया था, ठीक है। उसके बाद परंजेपे, इन्होंने लिखी थी काल बुक। मोहम्मद अली ने जो बुक लिखी है उसका नाम है कॉमरेड हमदर्द, ठीक है, कॉमरेड और हमदर्द। एक बार फिर से देख लेते हैं, मदन मोहन मालवीय कौन सा बुक लिखी थी, अवे युद्धे, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान और लीडर्स। नेशन बुक कौन लिखे थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर बोले ए नेशन इन मेकिंग तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। केशव चंद्रसेन कौन सा, इंडियन मिरर और वामबोधिनी। नील दर्पण किसने लिखी थी, दीन बंधु मित्रा ने। अरविंद घोष, ठीक है, कर्मयोगी, योगंत्र, सावित्री, लाइव डिवाइन, एसे ऑन गीता, उसके बाद वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद इकबाल तराना हिंद, बांगे दारा, ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, परण जेपी, ये इनका नाम, ये जो बुक लिखे हैं इसका नाम है काल। मोहम्मद अली ने कॉमरेड और हमदर्द बुक लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में जैसा बोला गया था कि आप सिर्फ 10 ही याद रखिए, तो यहाँ पे भी 10 याद रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये भी 10 याद हो गया और याद रख सकते हैं एग्ज़ाम में तक परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप आगे आगे का वीडियो देखिएगा, ठीक है।
अपने इसी वीडियो में आगे देखें, नहीं तो नेक्स्ट डे फिर से आइएगा, फिर से आकर के नेक्स्ट डे देखिएगा। ठीक है, पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा देंगे और आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखना, याद रखना है हम लोग को। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक दिन में नहीं होगा। वो कहते हैं ना, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते हो, तो पहले भैया स्मॉल स्मॉल मिलाना पड़ेगा। तो हम लोग उन्हें 20 क्वेश्चंस याद कर लिए हैं, 20 राइटर के बुक के नाम याद कर लिए हैं। ठीक है, होप सो आप नेक्स्ट डे ही देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बुक्स रिटन बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर, सॉरी ये तो हो गया, नहीं हुआ। तो नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो बुक लिखी थी वो थी सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, तो प्रकाश को कैसे याद रखें? प्रकाश तो एक्चुअली रोशनी होती है ना, तो वो कौन देता है? ईश्वर देता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, समझ में आ रहा है? प्रकाश कौन देगा? ईश्वर देगा। तो सोम प्रकाश से हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोतीलाल नेहरू की जो बुक थी वो थी इंडिपेंडेंट। दादा भाई नौरोजी की बुक रस्ट, गुफ्तगुर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रख लीजिएगा। शायद शायद यहाँ पे नौरोजी का स्पेलिंग गलत हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद शशीर कुमार घोष क्या लिखे थे? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, जिसको अमृत बाजार भी अमृत बाजार पत्रिका भी बोलते हैं, तो वो लिखे थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ये कि इंडियन मिरर किसने लिखा था? केशव चंद्र सेन ने। ये नेशन ऑफ इन मेकिंग किसने लिखा था? ये देख लीजिए, नेशन इन मेकिंग, ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो इस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, जो भी सिमिलर टर्म आ रहा है उसको आप दोबारा से याद कीजिए। ठीक है, उससे रिलेटेड, तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नेहरू जी किसने कौन सी बुक लिखी थी? राष्ट्र गुफ्तगुर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद शिशिर कुमार घोष, अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, तरकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान। सचिंद्र सैन्याल, द रेवोल्यूशनरी। सत्यार्थ दर्पण, तो ये लिखे थे दयानंद सरस्वती। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, ये बुक लिखी गई थी भोगा राजू, पट्टा भाई, सीतारमैया। ठीक है, उसके बाद इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चेरुल चेरुल। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। संवाद कौमुदी किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय। आप चाहे तो इस चीज़ को पढ़िए, आँख बंद करके ट्राई कीजिए, हो पा रहा है कि नहीं। सोम प्रकाश, प्रकाश किसने डाली थी? ईश्वर ने डाली थी। इंडिपेंडेंट किसने? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और चाचा नेहरू ने क्या किया था? चाचा नेहरू ने बुक लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेहरू नेहरू आ रहा है, तो एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी याद हो पाएगा, याद रह पाएगा और परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग। दादा भाई नेहरू जी कौन सी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसके बाद रस्ट, गुफ्तगुर। शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका। फ्री हिंदुस्तान किसने लिखा था? तरकनाथ दास। द रेवोल्यूशनरी, सचिंद्र सैन्याल। सत्यार्थ दर्पण, दयानंद सरस्वती। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस किसने लिखा था? भोगा राजू, पट्टा भाई, सीतारमैया। इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, तो ये वीडियो आगे भी चलेगी, लेकिन आपको सजेशन है कि आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि 10 और राइटर के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू कीजिएगा, ताकि हम लोग को याद रह सके। ये बात बहुत बार हम बोल चुके हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि याद रखना इम्पोर्टेंट है, पढ़ना नहीं। ठीक
ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप एक रात में पूरी बुक ख़त्म कर दें, लेकिन क्या माइंड में रहता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा रैंक करना है। तो हम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करके, एक बार पढ़ करके, दो बार पढ़ करके क्यों बर्बाद करेंगे, ठीक है ना। तो जितना याद रहता है उतना ही पढ़ेंगे। तो इस होप सो आप नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे में देखेंगे, ठीक है, जब तक पुराने वाले पीछे वाला पार्ट याद हो जाए हम लोग को। उम्मीद है आप इस वीडियो को कंटिन्यू नेक्स्ट डे से ही कर रहे हैं, उसी दिन नहीं देख रहे हैं। अगर उसी दिन देख रहे हैं तो भी तो अच्छी बात है, और नेक्स्ट डे देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग। चित्तरंजन दास के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बुक लिखी गई थी आनंद मठ और देवी चौधरानी। भरतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी इनका नाम था भारत दूरदशा। शिवानंद जी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो था डिवाइन लाइफ। और एक बुक का नाम हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा, लाइफ डिवाइन, ठीक है। शिवानंद जी ने बुक लिखी है डिवाइन लाइफ, और थोड़ी देर पहले एक मैंने बुक हम लोगों ने बुक पढ़ा था लाइफ डिवाइन, तो वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लाइफ डिवाइन बुक अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा, और डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा। देखिए दोनों अलग अलग नाम है, तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा, ठीक है, एक बार फिर से सोच लीजिए, देख लीजिए, स्लाइड को बैक करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नाम है नयनतारा सहगल, ये लिखे थे बुक ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। भगत सिंह की बुक व्हाई आई एम एथिस्ट। सरोजिनी नायडू की बुक द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किनके द्वारा, सरोजिनी नायडू। व्हाई आई एम एथिस्ट, भगत सिंह, ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयन तारा सहगल, डिवाइन लाइफ शिवानंद, और लाइफ डिवाइन औरबिंदु घोष, ठीक है। भारत दूरदशा भरतेंदु हरिश्चंद्र, चौधरानी और आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिनके आप रियली में केयर करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप स्टार्टिंग में ही उस वीडियो को देख पाएँ। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।